आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्णिमा सेठी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बना सकी साउथ एमसीडी। ठेकेदार को तय लागत से 4.72 करोड़ अधिक का भुगतान भी करना पड़ा। अस्पताल बनाने के लिए 2010 में टेंडर किया गया, 9 करोड़ 88 लाख रुपए का ठेका दिया गया। बाद में नियमों में बदलाव कर उसी ठेकेदार को 30 करोड़ 96 लाख का ठेका दिया गया। सेंट्रल विजिलेंस की गाइडलाइंस इसकी अनुमति नहीं देती है। मैं देख रहा हूं भाजपा के प्रवक्ता आजकल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मतलब ये क्या बात है कि ये सब झूठ है? आपकी खुद की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही छपा हुआ है। सीएजी की भी ऑडिट नहीं, इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट है। इनकी ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट में साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑडिट रिपोर्ट से और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन खुद मौके पे मुआयना करने गए हैं एमसीडी के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का। वो दोनों चीजें हम आपको दिखाएंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का नाम है पूर्णिमा सेठी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कालका जी। ये कागजों के अंदर इसको 100-बेडेड सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बताया जाता है। और इस हॉस्पिटल की कहानी इतनी दिलचस्प है कि 2005 में इसका अप्रूवल हुआ, 2010 में इसका टेंडर किया गया कि यह अस्पताल बनेगा और रेट तय किए गए, ठेकेदार को ठेका दे दिया गया, 9 करोड़ 88 लाख का ये ठेका 2010 में दे दिया गया। बाद में उसी ठेकेदार को दिए हुए ठेके की टर्म्स एंड कंडीशंस बदल दी, स्कोप ऑफ वर्क बदल दिया और उसको उन्हीं रेट पे मतलब उसी हिसाब से उसके ठेके को 10 करोड़ से बढ़ा के 30 करोड़ 96 लाख का ठेका बना दिया गया उसी ठेकेदार को। यह संभव ही नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस बहुत सख्त है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। इन्होंने यह किया साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। उसके बावजूद यह बढ़ा हुआ काम 2012 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मतलब ये अस्पताल 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल 2012 तक दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित होना था और ये लगभग 10 सालों तक बनता रहा। कमाल की बात ये है कि ये आज तक नहीं बना है, जब मैं बात कर रहा हूं अभी ये बन रहा है। और जो पेमेंट 30 करोड़ 96 लाख की बाद में गलत तरीके से तय की गई थी, उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टी लगाने की बात तो दूर, एमसीडी ने गलती से उसको 4 करोड़ 72 लाख की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। आप समझ सकते हैं कि क्या कमाल की बात है। इन्होंने 30 करोड़ 96 लाख की जगह, इनके ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने इनको 35 करोड़ 68 लाख की पेमेंट कर दी है। और के इनके ऑडिटर ने इनके अफसरों से सवाल पूछा कि ये ज्यादा पेमेंट कैसे हो गई, कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट से ज्यादा पेमेंट कैसे हो गई, तो इनकी एमसीडी ने अपने ऑडिटर को भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब लिखित में इनसे सवाल किया कि क्या ये सही है कि आपने पूर्णिमा सेठी अस्पताल को ज्यादा पेमेंट कर दी, तो इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को लिखित में झूठा जवाब दे दिया। इन्होंने कहा जी नहीं, पेमेंट 30 करोड़ 95 लाख की करनी थी और हमने इनको 28 करोड़ 53 लाख की ही पेमेंट की है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट से कम है।